ऐसा कि धारा 370 हटने के कारण ही आज जो वातावरण बना है, विकास विश्वास का वातावरण, लोकतंत्र की बहाली का वातावरण, उसके कारण आज शांति आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का, राहुल गांधी जी आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उनके 370 तोड़ने के कारण जो वातावरण बना है, आपकी यात्रा लाल चौक तक पहुंची है और आप वहां सेहतमंद पंजाब का सुपना जिहड़ा वो साकार हो रहा है। असी 15 अगस्त नूं 100 आम आदमी क्लीनिक लोगों के समर्पित किए सी, तो मैं दसदियां खुशी हो रही है कि लोगों ने इसनों बहुत वेलकम किया, तो स्वागत किया। हुण तक 7.5 लाख लोग इत्थे OPD का फायदा ले चुके ने, 1 लाख तो ज़्यादा लोग इन क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैसट करा चुके ने, दवाइया सारिया मुफ्त मिलदियां ने। तो मैं दसदा एक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी 500 मुहला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोगों के समर्पित किए जाएंगे, ताकि असी रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है वो सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। तिरंगा चढ़ाने के लिए पहुंच पाए हो, चाहे आपने अपना बुत अपने तिरंगे से, देश के राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा बना दिया, लेकिन वहां तक पहुंचने की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण पूरी हुई है। और आप बातचीत कर रहे हैं जिनके हाथ जम्मू कश्मीर के, जिन 3 परिवारों के हाथ जम्मू कश्मीर के खराब करने के लिए जुड़े हों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया है, वही 3ों परिवार आज यात्रा लेके निकल रहे हैं। वही मुफ्ती एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स, गांधी नेहरू एंड सन्स, किनके राज में लाखों लोग विस्थापित हुए थे। देश की आजादी के बाद 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना, बेटियों के बच्चियों के बलात्कार हुए थे, कत्ल हुए थे। और जो लोग आतंकवादी के मरने पर, जिनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी सारी रात रोती रही, जो आतंकवादियों को महामंडित करने के लिए उनके लिए रात भर अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे हो, उनको बिरयानी खिलाते रहे हो, रघुनाथ मंदिर का अटैक हो या देश के अलग अलग स्थानों पर हुए हमले हो, जिन्होंने केवल सफेद झंडा ही दिखाया हो, वो आज शांति की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टारगेट किलिंग्स भी कम हुई हैं, आतंकवादी हमले भी कम हुए हैं। हमने हमले भी कम किए हैं, आतंकवादी भी कम किए हैं, और आतंकवादी की आयु भी कम। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चट्टान की तरह खड़ी है और विकास की नई गाथा जम्मू कश्मीर में बनाई है। धारा 370 हटने के कारण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां सुरक्षा, विकास और विश्वास का वातावरण पैदा किया है, इस कारण राहुल गांधी जी आप तिरंगा लेकर श्रीनगर तक पहुंच पाए। आपको धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, धन्यवाद करना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह जी का। और मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी अभी अभी अमित शाह जी बारामूला में, आपके साथ तो कुछ 100 लोग थे, बारामूला में लगभग 50,000 लोगों की रैली करके गए, रजौरी के अंदर लगभग 40,000 लोगों की रैली करके गए। जनता किसे पसंद करती है, किसे प्यार करती है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक असीम प्रेम है। और राहुल जी आप बताइए, जिनके राज में, राहुल गांधी जी के राज में, गांधी परिवार के राज में
देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। बेटियों के बलात्कार हुए, खून से जनेऊ रंग दिए गए, दीवारों पर लिख दिया गया किसका राज था। किसका राज था जब चरारे शरीफ, रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम पर हमले हो रहे थे। अरे आतंकवादियों के लिए रोने वाले लोग, आतंकवादियों को नायक मानने वाले लोग, जिनके माताजी सारी रात इसलिए रोती रही कि आतंकवादी मर गया, जो चरारे शरीफ में आतंकवादियों को बिरयानी भेजते रहे, वो आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अपना चेहरा तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने एक विश्वास का वातावरण पैदा, आपने भय का वातावरण पैदा किया था। धन्यवाद करना चाहिए आपको मोदी जी का।